बिलासपुर हाई कोर्ट में पहली बार ऐसा देखने को मिला कि सुनवाई के दौरान एक वकील और जस्टिस के बीच बहस ने इतना बड़ा रूप ले लिया कि वकीलों ने जज का बहिष्कार कर दिया। मामले को लेकर बार एसोसिएशन चीफ जस्टिस से मुलाकात करने पहुंचा। संघ के सचिव अब्दुल वहाब खान ने बताया कि वकीलों ने किसी बात को लेकर जस्टिस शर्मा के कोर्ट का बहिष्कार किया है। तो हमारे सदस्य अधिवक्ता सतीश वर्मा, अवध त्रिपाठी और तथा अन्य वकीलों के द्वारा हमको टेलीफोन से खबर दी गई कि जस्टिस शर्मा साहब के जो है कोर्ट रूम में कार्यवाही के दौरान जो है तात्कालिक रूप से सतीश वर्मा जी के प्रकरण को लेके कुछ असंतोष व्याप्त हो गया है। तब हम लोग अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में वहां पहुंचे। पहुंचने के बाद हम लोगों ने तत्काल जो है सभी वकीलों की समस्या लेखबद्ध की और वकीलों को आश्वस्त किया कि हम तत्काल 1:30 बजे जो है सीजे साहब से मुलाकात करके पूरी समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे। हमने सीजे साहब से समय लिया था और अभी माननीय अध्यक्ष महोदय के नेतृत्व में सभी अधिवक्तागण सीजे साहब से मुलाकात किए। सीजे साहब ने हम लोगों की समस्याओं को सुना और उन्होंने न्यायमूर्ति शर्मा साहब के खिलाफ जो हम लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है उसको अच्छे से सुना और उन्होंने कहा है कि मैं इस पर यथोचित कार्रवाई करूं। ऐसी जानकारी मिली है कि कोर्ट रूम ऐसा विरोध प्रदर्शन किया गया, ऐसा किसी भी प्रकार से अधिवक्ता संघ के द्वारा नहीं किया गया है। हम लोग वहाँ कुछ वकीलों के बीच में असंतोष व्याप्त था। जब हम लोग वहाँ पहुँचे तब वकीलों को हमने संतुष्ट कर लिया कि हम सीजे साहब से मुलाकात करके समस्याओं को रखेंगे। जानकारी के अनुसार मामले को लेकर बार एसोसिएशन चीफ जस्टिस से मुलाकात करने पहुंचे और मामले की शिकायत की। चीफ जस्टिस से मिलकर वापस आए अधिवक्ता संघ के पदाधिकारियों ने बताया कि दोपहर में जस्टिस आरपी शर्मा की कोर्ट में अधिवक्ता सतीश चंद शर्मा द्वारा एक केस को लेकर बहस चल रही थी। कोर्ट रूम के अंदर जो है माननीय हमारे मेंबर सतीश चंद्र वर्मा के द्वारा कोई केस को सुनवाई के लिए बोल रहे थे। अब कोर्ट जो है उसको सुनवाई से इनकार कर रहा था और सुनवाई करना नहीं एक मिनट सुनवाई करना नहीं चाह रहा था। इसी बात पे उससे विवाद हुआ जिससे लगभग 100 अधिवक्ता वहाँ पर पहुँच गए थे और बाद में बाहर में जो है बहुत सारे विवाद हुआ, हंगामा भी हुआ। कुछ अधिवक्ताओं ने जो है अधिवक्ता संघ जिंदाबाद के भी नारे लगाए और उसके बाद जो है हम लोगों ने वापस में जो है कमेटी में हमने तय किया कि हमने एक कमेटी बना दिया इस संबंध में। और कमेटी के बाद जो है हम लोगों ने जो है मैं और अब्दुल वहाब ने सिर्फ चीफ से मिले, चीफ से मिल के जो है हमने उसके निराकरण के लिए कहा। चीफ जो है हमको आश्वस्त किया। जिस पर जस्टिस साहब से असंतुष्ट अधिवक्ता कोर्ट से बाहर हंगामा करने लगे और कोर्ट का बहिष्कार कर दिया। चीफ जस्टिस ने मामले की उचित कार्रवाई की बात कही है। नहीं देखिए, इसको बहिष्कार तो नहीं बोलना चाहिए। हम लोग आज कार्य से विरत हो गए हैं अधिवक्तागण, ये सही बात है। और जैसा बार एसोसिएशन अभी निर्णय लेगा, अधिवक्ताओं ने तय किया है कि इसको एसोसिएशन के द्वारा तय किया जाएगा। यदि बार एसोसिएशन का निर्णय है कि अब नहीं उपस्थित होना है तो अधिवक्ताओं पर बंधनकारी रहेगा, वो नहीं उपस्थित होंगे। किन के कोर्ट में? माननीय जस्टिस श्री आरपी शर्मा जी के कोर्ट की बात हो रही थी जी। कुछ वकीलों ने अपनी समस्याओं को बताया तो मामले का हल नहीं निकलने पे वकीलों ने आज उस न्यायालय में निवेदन किया है कि हमारे मुकदमे बढ़ा दिए हैं। और ऐसा कहते हुए सारे वकील अधिवक्तागण जो हैं वो न्यायालय से बाहर आ गए और माननीय मुख्य न्यायाधिपति से अधिवक्ता समुदाय ने मुलाकात की है, बार एसोसिएशन ने मुलाकात की है, उन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया है और आगे जो भी निर्णय होगा बार एसोसिएशन जो निर्णय लेगा सारे अधिवक्तागण उसमें शामिल रहेंगे। ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से आप लोग जी? देखिए, वो कोर्ट के अंदर की बात है परंतु शॉर्ट में यह है कि अधिवक्ता वर्ग किसी बात से थोड़ा सा नाखुश हैं। सुनवाई के दौरान कोई ऐसी बातें आई हैं जिनको वो लगता है कि उन बातों को नहीं होनी चाहिए, ऐसी परिस्थितियां निर्मित नहीं होनी चाहिए जिन बातों का उन्होंने विरोध किया। पर्टिकुलरली लोगों का कहना है कि जिन केसेस में अभियुक्तगण जेल में है उन मामलों में यदि पैरवी के लिए समय मंगा जाता है, कुछ दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए, यदि कुछ मुकदमों में चार्जशीट पेश हो रहा है तो उसमें भी समय मांगते हैं, तो इन बातों को यदि इनकार किया गया है तो इसको लेकर अधिवक्ताओं में थोड़ा सा कुछ असमंजस की स्थिति रही है
जिसको लेके आज ये विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न हुई हैं और उसका हल निकालने का प्रयास किया जा रहा है। सर का बहिष्कार करने की बात सामने आ रही है कोर्ट का। जी आज अधिवक्ता गण ने कोर्ट में उपस्थित होने से आज मना किया हुआ है। For more information, log on to www.clips.in.